तो दोस्तों आज 24 घंटा काम करने का बिल्कुल प्रण ले लिया हूं, तो ये मेरा चैलेंज काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है। इसी दुकान में रहना है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना। अभी टाइम हो रहा है 3, मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूं। ये देखिए 3 बज रहा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, हो सकता है कि वो टेलर हो मेरे सा और वो चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाता हो, काम नहीं कर पाता हो, तो कैसे काम कर पाएगा, 24 घंटा नाइट कैसे लगा पाएगा। तो देखिए मैं 24 घंटा वर्क करूंगा, आज शाम 3 बजे से लेकर कल शाम 3 बजे तक का पूरा अपना जर्नी आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि 24 घंटा मुझे सिर्फ इसी दुकान में रहना है और काम करना है, खाना पीना, सोना। सोना तो भूल ही जाओ, सोना भूल ही जाओ, सोना नहीं है, बिल्कुल काम 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 करना है। तो ये चैलेंज इस टाइप का जो है, जितने भी छात्र हैं जो एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता होता, किस तरीके से वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, हार्ड मेहनत कर सकते हैं, तो चलिए लाइव प्रूफ दिखाने वाला है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, बीच बीच में आप सभी को हम अपना अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और अभी फिलहाल मैं सीने वाला काम कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं नाइट में कटिंग करूंगा। जितना भी सीने वाला काम है मैं सी लेता हूँ और जब सीने का काम खत्म हो जाएगा या सीने से मन भर जाएगा फिर मैं कटिंग करूंगा नाइट में। इससे क्या फायदा होगा कि मैं उसका वीडियो शूट कर सकता हूँ कटिंग के लिए, तो मेरा स्टिचिंग का भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ब्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा और आप उन भाई का चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी खुश नहीं होने को, क्योंकि अभी 3 बज रहा है और 3 बजे शाम को मुझे इस दुकान से बाहर निकलना है, काम को छोड़ना है। तो चलिए अभी सिलाई कुछ कर लेते हैं। फाइनली जो सूट सलवार सी रहे थे वो सलवार सिला गया, प्रेस लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो ठीक है। इसका कस्टमर कॉल किया था कि मैं आ रहा हूँ, इसको चाहिए मुझे। और ये देखिए ये सूट भी तैयार होने वाला है, कॉलर बाजू लगा देना है, तैयार है तो आके ले जा सकता है। तो अभी टाइम हो गया है 5:30 होने को है और अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे आदत है 10 बजे तक दुकान पर रहने का आदत है। 10 बजे के बाद जो है मुझे बुझाएगा तो ऐसा रियलाइज होगा, लेकिन कोई बात नहीं, रात तो बीत जाएगा लेकिन कल 3 बजे शाम तक रहना, देखते हैं। और काम करते रहेंगे दुकानों में, क्योंकि वर्किंग 24 घंटा वर्क करना है मुझे, देखते हैं सक्सेस हो पाते हैं नहीं। तो अभी टाइम 7 बज चुका है और सूट सलवार सी कर टांग दिए हैं, जो आपको सामने दिख रहा है ये वाला नहीं ले गया है क्योंकि लेट हो गया, हमें ही आया और वापस चला गया था, कल को ले जाएगा। और ये दोनों पैंट जो है, 3 पैंट मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये देखिए ये 3 पैंट मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इसको हम प्रेस कर लेते हैं, कल का सिया हुआ था, इसको प्रेस कर लेते हैं और फिर जो है देखते हैं मेरा रात कैसे गुजरता है 24 घंटा। और इसके बाद जो है कटिंग करेंगे, स्टिच करेंगे, टाइम जो भी मिलेगा आप सभी को अपडेट मिलते रहेगा। तो लाइफ में कभी भी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ऐसा लगे कि लाइफ बोर हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग कमेंट में करें उस पर एकदम अटल रहें और बिल्कुल लगन से काम करें, वो काम जरूर सक्सेस होगा। और खुद को थोड़ा सा दुख करोगे तब जाके आगे में कुछ हो पाएगा। तो चलिए अभी फिलहाल आप सभी के सामने एक स्ट्रगल जो है आप सभी के सामने है, फिर देखते हैं आगे का अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा। तो दोस्तों लाइट 1.5 घंटे के लिए कट गया था, खाना आ गया था, अभी खाना नहीं खाए हैं, तो देख लीजिए टाइम कितना हो रहा है, 10:15 हो चुका है, ये देखिए परफेक्ट। और ये मेरा खाना आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो देखते हैं खाने में क्या आया है। और काफी ज्यादा आज का वीडियो लग रहा है कि मेरा टफ हो जाएगा, क्योंकि अभी 3 बजे दिन तक रहना है मुझे शाम तक, और अभी नींद लगने लगा है। तो सिलाई वाला काम निपटा लिए है, ये कटिंग करने के लिए है, देख सकते हैं लगभग 4 शॉर्ट है, 2 पैंट है, 1 सूट सलवार है और ये ब्लाउज है जो घर का ही है रिलेशन का, और एक ये पैंट है एक और, परफेक्ट। तो इतना कटने के बाद कल सियेंगे, टाइम आराम से जो है पास हो जाएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए भाई आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, थोड़ा वीडियो को शेयर करो। और चलिए थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, देखते हैं खाने में क्या आया है। तो खाना दिखाते रहे क्या आया है, खाना बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, ये देखिए ये भुना हुआ मछली है,
और ये बना हुआ मछली है और रोटी है, मेरा फेवरेट है। मैं चावल नहीं खाता हूँ उसका, रोटी ही बेस्ट लगता है, परफेक्ट। तो इसको निपटा लेते हैं और निपटाने के बाद थोड़ा सा वाइफ से बात कर लेंगे, उसके बाद जो है कटिंग स्टार्ट करेंगे। जब कटिंग हो जाएगा तो पेस्टिंग स्टिचिंग यानी कि सिलाई स्टार्ट करेंगे। और तो दोस्तों कटिंग का काम चालू है, खाना खाकर वाइफ से बात करके कटिंग का काम चालू है और अभी टाइम हो रहा है 11:15। तो चलिए इसको फटाफट से जो है हम कटिंग कर ले ताकि इसका आगे काम कर सके। और ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहेगा उन बिजनेसमैन के लिए या जो यूट्यूबर है या कोई भी लाइन का काम करता है, अपना खुद का बिजनेस है, तो उसको कैसे आगे बढ़ा सकूं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके की वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए कटिंग को ख़त्म करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी कटिंग करके। तो फाइनली अब जो है नींद लगने लगा है। तो इतना अगर कोई भी खटेगा ना, अगर कोई भी इतना खटेगा तो हो सकता है कि वो बीमार पड़ जाए, है ना। तो मेरा तो आदत है तो मैं आदत के अनुसार काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोट मैन हूँ, कोट बनाता हूँ, तो मुझे पता है कितना खट लेता हूँ मैं। तो मैं 2 दिन 2 रात लगातार कंटिन्यू खट सकता हूँ, मेरा टैलेंट है, मैं अजमाया भी हूँ, लगातार नहीं किया हूँ, 1-2 बार ऐसा किया हूँ, लेकिन दवा मुझे मेडिसिन का जरूरत पड़ा है, दवा खाना पड़ा है। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो आप चाहो, अगर नए नए हो, बिल्कुल मोटिवेट हो आप, तो इतना समय तक काम कर सकते हो। जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 12:00 बज रहा है, तो आप सुबह से लेकर 12 बजे तक पूरा एनर्जेटिक होकर काम कर सकते हो दुकानों में रहकर, और फिर सुबह से उठकर आप काम कर सकते हो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, वो टेलरिंग लाइन हो या कोई और बिजनेस हो। तो आप इस तरीके से जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो, शादी वगैरह का जो होता है, तो बहुत ऐसा काम है जो आप कर सकते हो पूरा फुल एनर्जी के साथ। जैसे कि आप यूट्यूब भी कर सकते हो, दिन भर आप ब्लॉगिंग करो या वीडियो शूट करो और नाइट में एडिट करो 12 बजे तक 11 बजे तक। तो इस तरीके से मेरे कहने मतलब ये है कि आप बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ काम करो, और मेरा मेन उद्देश्य इस चैनल से यही है। तो चलिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ तक आप स्टॉप हो सकते हो, परफेक्ट। अभी जो है ड्रेस मैंने गर्मी के कारण इसको रिमूव कर दिया हूँ और अपना काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ जो है रियलिटी है, कोई फेक वगैरह नहीं है। जो भी आप चेस्ट वगैरह देख रहे हो, तो मैं अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और डेली सुबह उठते ही मैं पुशअप लगाता हूँ, परफेक्ट। पुशअप लगाने के बाद जो है ब्रश करके नहा धोवा कर मैं शॉप पे आता हूँ, तो आप देख सकते हो बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ, और अपना काम करते रहते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लेट से सोए थे और अभी जग चुके हैं, 6 बज रहा है, ये टाइम आप देख सकते हो, ज़्यादा लाइट कर दे रहा है, ब्राइटनेस ज़्यादा है, 6 बज रहा है। और 6 बजे से उठते ही आप कामों पे भीड़ सकते हो, और अभी कामों पे मैं भीड़ूंगा 3 बजे तक, क्या क्योंकि पूरा दिन ही रहेंगे, तो फटाफट जो भी काम है उसको निपटाते हैं। तो दोस्तों 24 घंटे के काफ़ी ज़्यादा हम नज़दीक आ चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 11:30, और लास्ट में आपसे बताएंगे कि कंटिन्यू काम करने से कितना ज़्यादा फायदा और कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो चलिए बचे हुए टाइम को उसको भी यूज़ कर लेते हैं, खाली टाइम न बर्बाद हो, उसके लिए कुछ सूट वगैरह है उसको भी सी लेते हैं, ताकि मेरा जो भी टाइम हो काम करते हुए मैं गुजरे और अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस आप सभी के साथ मैं शेयर कर सकूं।
तो दोस्तों फाइनली मैं जीत गया। 24 नहीं 25 घंटे हो गए, 4 बज चुका है और बारिश बहुत जोरों का हो रहा है, लाइट भी कटा हुआ है, फिर भी मैं बाजी मार दिया, ऐसी दुकान के अंदर काम किया। और आप सभी को बता दें कि अगर आप कोई चीज का जीत करते हो, खुद से कमिटमेंट करते हो, तो उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो चलिए, मैं क्या किया कि मेरा ये शॉप है, दुकान है, जो लोग नहीं जानते होंगे जान जाओ कि मैं एक दर्जी हूँ और आरएस फैशन डिजाइनर बुटीक में मैं कटिंग और स्टिचिंग सिखाता हूँ। ये मेरा एंटरटेनमेंट का चैनल है, तो इसका सब्सक्राइब कर लेना। तो मैंने कमिटमेंट किया था, फर्स्ट किया था कमिटमेंट कि मैं घर से दुकानों तक वीडियो शूट करते हुए DSLR से आऊंगा, जो मोबाइल से बंदा इस तरीके से वीडियो नहीं बना सकता था, ब्लॉग वो DSLR से बनाते आया। ये कैसे हो पाया? खुद से कमिटमेंट, जिद कि मुझे ये करना है, ये मेरा काम है, इस काम से क्या शर्माना। तो मैंने वो सक्सेस किया और वो भी कंप्लीट कर लिया। और उसी से मोटिवेट होकर मैंने ये चैलेंज किया कि मैं अपने दुकानों में, अभी काम नहीं है, काम बहुत कम है, लेकिन घरों का काम, रिलेशन काम बहुत ज्यादा हो गया था, जैसे कि रफ वगैरह का, अल्ट्रेशन और ब्लाउज सूट सवारी सब तरह काम नहीं करता हूँ लेडीज का, लेकिन सब चीज बना लेता हूँ। तो ये घर का हो गया, रिलेशन का हो गया, बहुत ज्यादा पेंडिंग में पड़ा हुआ था और बात सुन ले रहे थे लेकिन याद नहीं कर रहा था। इससे फायदा क्या हुआ, वो भी अच्छे तरीके से काम हो गए, दुकान के चुन चुन के काम हो गया, फंसने वाला कोई काम ही नहीं है, बात सुनने वाला कोई काम नहीं है। तो अगर आप टेलर हो या कोई भी बिजनेस है और आप बात सुनते हो दूसरे से, या काम नहीं कर पाते हो, या अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हो, कारीगरों से काम कराते हो, वर्करों से काम कराते हो, तो आप जिस लाइन में हो ना, उस लाइन में अगर काम ज्यादा है आपके पास, तो हफ्ते में एक बार चैलेंज जरूर किया करो इस तरीके से कि मैं इतना से इतना काम करूंगा। या आप 24 घंटे अभी छोड़िए, 12 घंटे का ही काम जीत कर सकते हैं कि 12 घंटे में आप क्या क्या करते हैं, चाय पीने जाते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, बहुत वगैरह वगैरह, बहुत टाइम पास वाला काम करते हैं। तो ये टाइम पास वाला काम ना करें, जैसे कि आप जिद कर लें कि मैं काम पे जा रहा हूँ, 12 घंटे का 12 घंटा मुझे उसी में लगे रहना है, और ये हो जाता है, बिल्कुल कब पास टाइम पास हो जाता है पता नहीं चलता है और काम भी हो जाता है। तो आप इस तरीके से करें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, फायदा होगा। दूसरा क्या है कि मैं वीडियो के लिए मैं इस चीज को करके आप सभी को दिखाया हूँ, जैसे कि आपका सेहत बढ़िया नहीं है या नींद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ज्यादा काम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अपना खुद का देख ले कि मेरा शरीर अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर जाके आप चैलेंज करें। और इस तरीके से अगर आप जिद होकर कोई काम करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। और अभी मैं 2-3 घंटे के बाद ही घर जाऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आप सबको काफी ज्यादा मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ आरएस फैशन ऑफिशियल पे, तो उसको मिस ना करें। खुद का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं क्या एक्सपीरियंस किया और मैं 24 घंटे में, और जो जिद कमिटमेंट करके जो काम कर रहा हूँ उसे क्या बेनिफिट है, उसमें मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आरएस फैशन ऑफिशियल पे आप सभी को मिल जाएगा, तो जाके देख सकते हैं।